आगे बढ़ते हुए टुडे 24 न्यूज चैनल की टीम जिला मुरादाबाद के ब्लॉक मुंडा पांडे के गांव खड़कपुर जगतपुर पहुंची। जिला मुख्यालय से इसकी दूरी 16 किलोमीटर तो ब्लॉक से मात्र 4 किलोमीटर है। इस गांव की बागडोर खलील अहमद के हाथों में है। गांव वालों ने इन्हें प्रधान चुनकर गांव की कमान इनके हाथों में सौंप दी है। इन्होंने भी जिम्मेदारी निभाते हुए गाँव में अच्छा विकास कराया है। ग्राम प्रधान खलील अहमद और सचिव नाजिम इकबाल के द्वारा स्कूल का सौंदर्यकरण के साथ साथ सड़कों का भी काफी विकास कराया गया है। इनके विकास कार्य को देखकर ग्रामवासियों में खुशी की लहर है। 4 वर्षों में इन्होंने किस तरह से गांव को सजाया है और क्या समस्याएं अभी बाकी हैं, आइए जानते हैं ग्राम प्रधान की जुबानी। टुडे 24 न्यूज में आपका स्वागत है। इस समय हम मौजूद हैं ब्लॉक मुंडा पांडे के खड़कपुर जगतपुर ग्राम पंचायत में। यहाँ प्रधान द्वारा अब तक काफी विकास करवाया जा चुका है, जिसकी पूरी जानकारी हम प्रधान जी से लेकर ही आपको बताएंगे, तो आइए चलते हैं प्रधान जी के पास। प्रधान जी, टुडे 24 न्यूज में आपका स्वागत है। 4 साल आपके कार्यकाल को पूरे बीत चुके हैं लगभग, अब तक अपने ग्राम पंचायत में क्या क्या विकास कार्य आपने करवा दिए? ग्राम पंचायत में सबसे पहले तो हमने ग्राम पंचायत में रोडों का काम किया है जी, जो बहुत ही बड़े पैमाने पर 80% रोड हमने डेवलप कर दिए हैं, जिसमें सबसे सीसी टैल्स और RCC की नाली बनाई गई है, जिसमें कहीं अब पानी का जमावड़ा नहीं है, आपने बनवाई जिससे कहीं अब पानी नहीं जमता, मच्छर मक्खी कहीं इस तरह गंदगी यहाँ पर नहीं थी। गंदगी पूरी तरह से 100% सफाई हो गई है स्वच्छता अभियान के तहत। ODF हो गया हमारा 2019 में। अब आवास मिले हैं यहाँ लोगों के, आवास बने हैं 25 आवास बने प्रधानमंत्री आवास और 13 जो है लोही आवास बने हैं। जैसे केंद्र सरकार की जो योजनाएं चलती हैं, उज्ज्वला कनेक्शन है, बिजली कनेक्शन है, या किसानों को जो सम्मान निधि का पैसा सरकार द्वारा मिल रहा है, आपके गांव में कितने गाँव से कितने परसेंट लोग जो है इनका लाभ ले पाते हैं? हमारे ग्राम पंचायत के 2 गांव पड़ते हैं, खड़कपुर अहमदपुर, तो भाग्य योजना के अंतर्गत लगभग 80% लोगों को कनेक्शन फ्री कनेक्शन मिल चुके हैं। इसी के अंतर्गत योजना है गैस कनेक्शन फ्री कनेक्शन, उसमें भी जो गरीब लोग हैं जो पिछड़े वर्ग में और उसमें आते हैं BPL, लगभग आपने कोशिश की है सभी को, सारे लोगों को उसमें हो चुके हैं। आज की जो काम है गांव में तालाब सुंदरीकरण, तालाब बहुत बढ़िया करके कराए हैं आपने, तालाब का सुंदरीकरण कराया है जिसमें पानी की मात्रा काफ़ी अधिक पानी जमा होता है जमीन के अंदर। स्ट्रीट लाइट सोलर लाइट वगैरह लगवाई हैं यहाँ? स्ट्रीट लाइट अभी नहीं लगवाई है गाँव में, कूड़ेदान लगवाए हैं, बेंच वगैरह लगी है गाँव में, और बाकी जो स्कूल में 2019 कायाकल्प के अंतर्गत मैडम उसमें स्कूल में हमने 23 बिंदु का काम किया है, स्कूल में 23 बिंदु का काम किया है, लगभग हमारे स्कूल का काम फाइनल की तरफ चल रहा है, अभी काम चल रहा है और बहुत ही अच्छी तरह से स्कूल में समय देते हैं आप? हाँ, जाकर मतलब जो है मिड डे मील वगैरह की जी जी 12 बजे तक, मैंने सुबह से 12 बजे तक रह रहे स्कूल में काम कराया, इस तरह की पूरी जिम्मेदारी के साथ स्कूल को चमका दिया है, कोई स्कूल में किसी तरह की शिकायत बाकी नहीं है। आयुष्मान कार्ड, राशन कार्ड वगैरह सब बने हुए हैं? हाँ, सामूहिक विवाह हुए हैं यहाँ? सामूहिक विवाह भी हुए हैं। सरकारी बिल्डिंग में स्कूल के अलावा आपकी ग्राम पंचायत में जैसे बारात घर, पंचायत भवन कई बने हुए हैं? कोई भवन नहीं है। आंगनवाड़ी केंद्र है हमारे। अस्पताल नहीं है। अस्पताल कितनी दूर है यहाँ से, कितना दूर आपका? लगना पड़ता है 2 किलोमीटर। अब अपने गाँव को और ज़्यादा सुंदर और विकसित बनाने के लिए, विकसित करने के लिए क्या प्रमुख मांग आप सरकार से रखना चाहेंगे? प्रमुख मांग तो बारात घर, बारात घर सबसे ज़्यादा मेन समस्या है, पंचायत घर तो उसी में एडजस्ट हो जाता है, और गांव में अब सामूहिक शौचालय बनाए जा रहे हैं जो अब मेन चौराहे में बनाया जाएगा, अब सरकार की योजना है 31 मार्च से पहले हम सामूहिक शौचालय बना रहे हैं, जिस जगह पर सार्वजनिक जगह पर चौराहे पर गाँव में बनाना चाहते हैं, जहाँ ज़्यादा भीड़ भाड़ आने जाने के रहे आम आदमी बाहर से, उसमें आपकी कोशिश अब जो है पूरी तरह से तैयार है, उसी पे चल रहा है, उसी पे काम चल रहा है। और कोई समस्या ऐसी गांव में सामने आती है जिसके लिए आप चाहेंगे कि सरकार खास तौर से ध्यान दे, सरकार की किस तरह से मदद आप चाहेंगे?
नहीं अब तो कोई नहीं, अब हमारा जोर तो सिर्फ पढ़ाई पे है, बच्चे ज्यादा ज्यादा गाँव में सबसे ज्यादा जो है कमजोरी गाँव के अंदर ये है कि बच्चे नहीं पढ़ पाते। अब स्कूल हमारी पूरी तरह का सहयोग करेंगे, पूरी मेहनत करेंगे तो पूरे ज्यादा ज्यादा बच्चे अपने स्तर पर आप लोगों को यहाँ ज्यादा पढ़ेंगे, हम भी करेंगे, हमारा जो स्टाफ स्कूल का है वो भी अच्छा है, बहुत मेहनत है, अभियान चला कर बच्चे घर घर जाकर। अभी कुछ परिवार ऐसे हैं जिनके जिन्हें आवासों की जरूरत है, कच्चे मकानों में रहते हैं? हाँ, इस तरह के अभी हैं आवास। लगभग कितने परिवार हैं? वो है लगभग 22 परिवार ऐसे हैं जिसकी हमने रजिस्ट्रेशन करवाई, कच्चा सब पूरे गांव के रास्ते सभी पक्के हैं जी, उन लोगों का रजिस्ट्रेशन करा दिए हैं, जितने मकान कच्चे हैं और जो सरकार के द्वारा अभियान चलाया जा रहा है, अगर आने वाली लिस्ट में उन मकान में एडजस्ट हो जाए 2022 तक उनके सबके पक्के मकान मिल जाएंगे। जैसा कि आपने देखा, ग्राम प्रधान से हमने यहाँ बातचीत की है, काफी विकास इन 4 सालों में इनके द्वारा यहाँ करवाया गया है, जैसे सीसी टाइल्स कार्य, सड़क निर्माण, नाली निर्माण, आवास भी यहाँ कुछ लोगों को मिले हैं, शौचालय से भी गांव पूरी तरह से ओडीएफ हो चुका है, कायाकल्प के अंतर्गत स्कूल में काफी हद तक सौंदर्यीकरण करवाया गया है जिससे छात्रों की संख्या में भी काफी बढ़ोतरी हुई है, शिक्षा का स्तर काफी बेहतर पहले से हो चुका है। इसके अलावा यदि यहाँ समस्याओं की तरफ नजर की जाए तो कुछ समस्याएं अभी भी यहाँ बाकी है, जैसे बारात घर, पंचायत भवन यहाँ पर निर्मित नहीं है जिसके लिए प्रधान ने मांग रखी है। अशरफ अली के साथ मैं नाज़रीन टुडे रिपोर्ट से। नाम बताइए। मेरा नाम मोहम्मद अकरम है। मोहम्मद अकरम जी, यहाँ खड़गपुर जगतपुर में आप निवासी हैं जी, 4 साल बीत चुके हैं, अब तक अपने गाँव में विकास कार्यों को लेकर क्या कहना चाहते हैं आप? जी, हमारे गांव में जब से ये प्रधान बने हुए हैं, जब से कोई भी ऐसा काम नहीं है जो कि नहीं करवाया इन्होंने, काम बिल्कुल बहुत अच्छा तरीके से करवा रहे हैं जी। जैसे कि सड़कों वगैरह गंदगी की जो परेशानी थी, क्या वो अब भी है या सुधर चुकी है? जी नहीं, अब तो बहुत सुधर चुकी है, हमारे यहाँ पे पहले तो नहीं थी इतनी सुधार में, अब बहुत अच्छी है सुविधा जी। जितना विकास अभी इन 4 सालों में हुआ है, अब से पहले इससे विकास इतना आपके गांव में हुआ था कभी? जी, इतना विकास नहीं हुआ है हमारे गांव में जितना के अब हुआ है, मतलब प्रधान जी ने जो भी विकास कार्य यहाँ आपके गांव में कराया, आप इससे काफी संतुष्ट हैं? जी हाँ।